वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग यार करने जा रहे हैं एक लैंडमार्क स्पीकर की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, मुझे पता है वीडियो आज इस बार भी बहुत लेट हो गई है, तो माफी चाहता हूँ वीडियो लेट करने के लिए। सो गाइस यार, अभी हम फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी हमारा स्पीकर कुछ ऐसा आया है जो लैंडमार्क का है, जो कि पीसी में लग जाता है, नोटबुक में लग जाता है, टैबलेट में, हाई फाइवर फोन में लग जाता है। सो गाइस, इसके अंदर ब्लैक कलर भी आता है, तो मैंने तो इसके अंदर रेड ये करा है, तो रेड चूज करा है, और रेड अभी हम इसको खोल लेते हैं। सो गाइस, हमारा स्पीकर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले इसके अंदर वायरिंग की बहुत ये रहती है। सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ इधर से। सो गाइस, अब स्पीकर निकलने में बाद कुछ इस तरह का है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो यूएसबी कॉर्ड है ना, इसे हमें चार्जर की जो यूएसबी कॉर्ड है उसे निकाल देना है, और ये वाली कॉर्ड उधर लगा देनी है जहाँ पर अपनी चार्जर की यूएसबी कॉर्ड लगती है। ये कॉर्ड उधर लग गई एक बार तो ये स्पीकर ऑन हो जाता है। तो इसका जो ये है ना मेन, ये अगर ये कुछ ज़्यादा ही अंदर चले जाता है तो इसकी वॉइस आना बंद हो जाती है। और ये जो दो छोटे छोटे स्पीकर्स और आए हैं इसके साथ, इनके भी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये एक बार दब गए तो ये भी काम करना बंद कर देंगे लिटरली। तो कुछ इस तरह का हमारा स्पीकर है। सो गाइस, इसका टेस्ट ले लेते एक बार यार। सो ऑब्वियसली गाइस, मैंने मदद ले ली है ओटीजी हब की, बिकॉज यार मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चार्जर की पिन को लगाऊँ, फिर वो लगाऊँ, फिर उसे प्लग में ऐड करूँ, फिर किसी का बैकग्राउंड ये करूँ, पूरा ये करूँ। तो गाइस यार, मैंने सीधा मेरा ओटीजी हब निकाल लिया और कर लिया है अपना सेटअप। तो सर कुछ इस तरह का है अपना ये ओटीजी केबल लगा ली। सो गाइस, अभी ये देखो, इसका कुछ ब्लू लाइट ऐसा है, ये इसके इसका है, तो अभी हम इसे बजा के देख लेते हैं। कुछ इधर ला देता हूँ इनको। सो गाइस, एनसीएस का कोई गाना बजा देते हैं। ओके, इधर से मैंने पिन थोड़ी सी ये कर दी है। अभी देखना कैसे, अभी बंद है ना। अभी मैं इधर लगा लेता हूँ कौन सा अभी। ओ शिट, इसकी मैंने वो वाली पिन तो लगाई नहीं। हेलो, इसकी जो ये पिन रहती है ना, अपने को अपने आपके पास कुछ भी हो, या टैब हो या मोबाइल हो, उसके इसमें ज़रूर लगा देना। ओके, एक से एक से एक एक ओके गाइस, सबसे पहले सर्च के ऑप्शन में चले जाते हैं, और अब एनसीएस का कौन तो भी सॉन्ग सॉन्ग बजा लेते हैं। देखो भाई, आई गाइस वॉइस, एक सेकेंड भाई, एकदम क्लियर है वॉइस, एकदम क्लियर आ रही है। मैं बता रही तो कौन तो भी गाने। सो गाइस, अब आप एक बार इसकी वॉइस सुन लेना, ठीक है। भाई वॉइस सुनो, कैमरे में वॉइस नोटिस नहीं हो रही होगी, लेकिन मुझे जो आवाज आ रही है वॉइस, मतलब कि लिटरली बहुत आवाज आ रही है इसके अंदर, और भाई एकदम मस्त है, कुछ भी ये नहीं हो रहा है। ये देखो स्पीकर का ये। आप लोगों को यार मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना, एक सेकेंड गाइस, भी अच्छे से आवाज आ रही होगी आप लोगों गाइस, बहुत आवाज आ रहा है। पहले मैं इसका आवाज कम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई यार हद से ज्यादा जोर से इसका आवाज आ जाता है। सो
अगर अपन देखो अगर गाना सुन ले तो ऐसा कुछ आवाज आता है, अगर हम आप लोग माइक वाइक अगर इसके ऊपर माइक की भी टेस्टिंग करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप माइक की टेस्टिंग बोलते हो तो मैं कुछ एक वीडियो लगा लेता हूँ उससे देख, इसके अंदर भी गाने तो बजना है। एक सेकेंड, ये 10 रुपए बता देते हैं कि आजकल क्या हो गया है लोगों को। 10 रुपए अगर किसी गरीब को देने लगे तो ज्यादा लगते हैं। आवाज आपने देखी एक बार। सो गाइस अगर आपको स्पीकर मंगाना है तो इसकी कॉस्ट है यार, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है और इसकी कॉस्ट 1000 है, 1569। सो ये महंगा तो पड़ा है लेकिन भाई यार नॉइस कैंसिलेशन भी उतनी ही अच्छी है गाइस। लिटरली ये रूम पूरा नॉइस से ये हो गया था, मेरे कान भी ये हो चुके थे, लेकिन कैमरे में इतना वॉइस नहीं आया होगा लेकिन मुझे बहुत आया है। इसके लिए सब वॉइस इतना है और ये ब्रांड कंपनी का, आप लोगों को मैंने बता दिया था मैं कोई भी चीज़ ब्रांड की लेता हूँ। सो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो नया होगा प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।